हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका ये सेकंड वीडियो लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा और कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ जो वहाँ से आप लिंक कर पाएंगे कैसे जो है सी एस आई नेट में क्वेश्चंस बनते हैं। और साथ ही साथ हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर भी बात करेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ ओडी पर बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिए, ठीक है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाला हूँ और वो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू। बेसिकली इतना समझना चाहिए आपको, यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन एक्स, या फिर वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स भी कह सकते हो। डी बाई डी एक्स अगर है तो फर्स्ट टाइम है ना, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब इसकी ऑर्डर और डिग्री बोले, आपको पता है कि ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता है, डिग्री पॉसिबल एग्जिस्ट करे या एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना। एक्सपांसन के सिचुएशन में दिक्कत होता है, नॉर्मल सिचुएशन में फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑर्डर होता क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है ना, वही क्या होता है एग्जैक्टली ऑर्डर होती है। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है उसकी जो पावर होती है नेचुरल पावर, उसको हम बोलते हैं डिग्री, है ना, ठीक है। और ऑर्डर और डिग्री दोनों फिक्स होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ओडी, है ना। ये ओडी आपको गिवन है, मैं लिख दिया यहाँ पे, है ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। वाई डबल डी का मतलब ही यही है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं एक बार, d बाई डी एक्स वाई डबल डी एस पावर माइनस थ्री बाई टू, है ना, इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू वाई डबल डी एस पावर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू, है ना। और वाई डबल डी एस का अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा वाई ट्रिपल डी एस करके, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, है ना, इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रहा है ना। माइनस थ्री बाई टू वाई डबल डेज पावर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन, दैट इज माइनस फाइव बाई टू, इनका अलग से डिफ्रेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, वाई ट्रिपल डेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टेंट है इसको मैं बाहर कर देता हूँ, है ना, डी बाई डी एक्स वाई डबल डेज पावर माइनस फाइव बाई टू वाई ट्रिपल डेज इक्वल टू जीरो। अब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फर्स्ट किसी भी सेकंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैंने फर्स्ट इसको सेकंड कर दिया, है ना, ओके, ये कांस्टेंट है, उधर गया जीरो अपॉन, है ना, तो क्या हो गया जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, ओके, है ना, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का माइनस फाइव बाई टू वाई डबल डेज पावर माइनस सेवन बाई टू, और वाई डबल डेज का लस क्या होगा, वाई ट्रिपल डेज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, है ना, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, तो माइनस फाइव बाई टू वाई डबल डेज पावर माइनस फाइव टू माइनस फोर माइनस सेवन बाई टू, इनको अलग से करेंगे वाई ट्रिपल डेज हो जाएगा इक्वल टू जीरो, परफेक्ट, है ना। वाई डबल डेज पावर माइनस फाइव बाई टू वाई फोर्थ डेरिवेटिव, है ना, प्लस अब इसमें, है ना, माइनस फाइव बाई टू है ना, वाई ट्रिपल डेज स्क्वायर हो जाएगा, वाई डबल डेज पावर क्या होगा, माइनस सेवन बाई टू, ठीक है। अपने को पता है डिग्री जो होता है वो पावर में नेचुरल होना चाहिए, है ना, नेचुरल के फॉर्म में लाना है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम क्या है, माइनस सेवन बाई टू, कुछ नहीं, बस इतना समझ लीजिए, वाई डबल डेज में दिक्कत है जो भी है, वाई डबल डेज के पावर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग वाई डबल डेज पावर सेवन बाई टू करके, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, इससे क्या होगा, जो पावर है पॉजिटिव में आ जाएगा, वाई डबल डेज पावर प्लस सेवन बाई टू माइनस सेवन बाई टू हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना। माइनस इंटू वाई फोर्थ डेरिवेटिव माइनस फाइव पाई बाई टू वाई ट्रिपल डेज का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वाई डबल डेज पावर, है ना, सेवन बाई टू माइनस सेवन बाई टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब ये टू बाई टू यानी पावर कितना मिलेगा, ओनली वन, ठीक है, माइनस फाइव बाई टू वाई ट्रिपल डेज स्क्वायर, है ना, इसका जीरो क्या हो जाएगा, वन, इतना मिलेगा। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना ही देखना था, यहाँ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट, है ना, देख सकते हो कितना टाइम डिफ्रेंशिएशन हुआ, फोर टाइम, दैट इज इसके ऑर्डर कितनी, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है, फोर, तो यहाँ से पता चल रहा है ऑर्डर कितनी है, फोर, परफेक्ट ना। और जो ऑर्डर होती है जहाँ से आपको पता चल रहा है उसका पावर देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब वन है बाय डिफॉल्ट, तो इसका मतलब यहाँ डिग्री कितना हुआ, वन, तो ऑर्डर फोर है, डिग्री कितनी है, वन, क्लियर है।
खुद से एग्जांपल लीजिए, अपने हिसाब से रैंडम एग्जांपल लीजिए, माइनस 5/2 करो, 1/2 करो, कुछ मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रिएटिविटी से आपको समझ भी आएगा ना कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी इससे पहले वीडियो लेक्चर में तो बहुत सारे एग्जांपल दे भी दिया था, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल था उसको मैंने अभी बता दिया। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके लिए है ना क्वेश्चन दे देता हूँ। वाई डबल डेज पर माइनस 5/2 को ट्राई कीजिए, या वाई ट्रिपल डेज लेते हुए है ना माइनस 7/2 को ट्राई कीजिए, ठीक है ना। अब इसको एक बार ट्रिप है ना डी एक्स क्यूब बाई इतना लीजिए, डबल डेज पावर माइनस 3/2 को ही लेकर देखिए। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, क्लियर कीजिए, और कोई भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए। इफ वाई ऑफ एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डेज प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, वाई आखिर में फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर से समझना चाहिए कि जो डीओडी है उनका डोमेन है वो क्या है, आर है। एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज y is differentiable but y dash is not differentiable, y dash is differentiable but y double dash is not differentiable, y double dash is differentiable but y triple dash is not differentiable, fourth option है y is infinite times differentiable, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन लेकर के जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ODE से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। CSI नेट हो, सेट हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें ODE के जो क्वेश्चन आते हैं वो है ना स्टार्टिंग जो इस चैप्टर से हम देख रहे हैं वो इस पैटर्न में आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन है ना, सबसे पहली चीज़ तो आपको डिफ्रेंसीबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि f of x is differentiable at x equal to a, है ना, डेफिनेशन है if and only if limit extends to a f of x minus f of a upon x minus a exists, ठीक है ना। ओके, और जहाँ ये एग्जिस्ट की बात है यहाँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड दोनों की बात है ना, तो मैं आप चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ एल एफ डेज ऑफ ए इक्वल्स टू आर एफ डेज ऑफ ए, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए करके, ठीक है ना, है ना। या तो इस तरह से भी यहाँ पे हो सकता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को मैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस एच, एच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है मैथमेटिकली, प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है, आखिर में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ सिकेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट होता है ना, ये नॉर्मली स्लोप ऑफ सिकेंट को रिप्रेजेंट करता है, कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे जैसे एक से एक ही ओर अप्रोच होता है, लेफ्ट से भी राइट से भी दोनों तरफ से, जैसे जैसे एक से एक ही ओर अप्रोच होता है वैसे वैसे स्लोप ऑफ सिकेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट होता जाता है। तो समझ लीजिए है ना क्या चीज़ है, जो आपका फंक्शन की वन है वो क्या है, डिफरेंशियबल है उस पॉइंट पे, ठीक है, क्लियर है। यानी हर एक पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग यूनिक टेंजेंट बनता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात। अगर आपको डीप में जानना है, एक एक चीज़ को क्लियर करना है विद एग्जांपल्स, तो आप रियल एनालिसिस के मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिफ्रेंसीबिलिटी के नाम से है ना, डिफ्रेंसीबिलिटी ऑफ फंक्शन के नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, पूरे वीडियोस उस पर गिव है ना, पूरा मैं दे दिया हूँ, तो आप एक एक वीडियो देखिए, इंजॉय कीजिए, है ना, डाउट निकल के सामने आएगा बेझिझक बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये जानते हैं, ठीक है, अगर नहीं जानते तो बिल्कुल वहाँ जा करके देख करके आप यहाँ पर आइए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, है ना। ओके, फंक्शन की डिफ्रेंसीबिलिटी समझ आ गया है, तो फंक्शन जो है डिफ्रेंसीबल है, तो उनकी एग्जांपल्स की अगर बात करूँ, बाय डिफॉल्ट एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स जो पूरे अपने डोमेन में डिफ्रेंसीबल होता है ना, पूरे डोमेन में। इसके लिए एग्जांपल है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, साइन है, कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मिक्स फॉर्म भी हो सकता है, अपने पूरे डीओडी में क्या है ये, है ना, डिफ्रेंसीबल है। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ठीक है, पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जो भी पॉलिनोमियल होता है वो भी पूरे अपने डीओडी में क्या होता है ना, डिफ्रेंसीबल होता है, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन और कॉस है, और ये जो पॉलिनोमियल है कांस्टेंट, ये पूरे आर में डिफ्रेंसीबल होता है, डिफ्रेंसीबल एवरीवेयर बोलते हैं इसको। इतना क्लियर है, अब क्वेश्चन में आ रहा हूँ मैं, ठीक है, फोकस कीजिए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन बोला वाई इज डिफ्रेंसीबल बट वाई डज इज नॉट डिफ्रेंसीबल, वाई डिफ्रेंसीबल है लेकिन उसका डेरिवेटिव डिफ्रेंसीबल नहीं, वाई डिफ्रेंसीबल होना है ना का मतलब है कि y does exist करेगा, और y does differentiable होने का मतलब होता है y double does exist करेगा, ये भी ध्यान रखना। ओके, है ना, f of x जब differentiable होता है तब f does of x exist करता है ना, और अगर f does of x differentiable होता है तो f double does of x exist करता है। चलो क्वेश्चन में आइए, ODE आपको गिवन है y double does plus y equals to x square plus y, है ना, x belongs to क्या है, r, यहाँ से पता चल रहा है पूरा DOD हमारा r है, तो y double does equals to क्या हो जाएगा, है ना, ये y does है ना, ठीक है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस वाई डेज प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर करके मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब फोकस कीजिए, है ना, अच्छे से दिमाग में अपने को सेट रखना चाहिए, वाई डबल डेज इक्वल टू माइनस वाई डेज प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको पता है एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है, ये तो पूरे आर में डिफ्रेंसीबल है, वाई की जहाँ तक बात है ना, वाई पूरे आर पे डिफाइन है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे दिया है कि वो सॉल्यूशन है इस ODE का,
अगर y ऑफ x इसका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन होने का मतलब इनको सेटिस्फाई करेगा, इनको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई होने का मतलब कि y का y डैश भी एग्जिस्ट करेगा, y डबल डैश भी एग्जिस्ट करेगा। इतना क्लियर हुआ? तो y डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, y सॉल्यूशन है तो y डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, और y डबल डैश एग्जिस्ट करने का मतलब होता है क्या? y डबल डैश एग्जिस्ट करने का मतलब y डैश क्या है? डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में बोला y डैश नॉट डिफरेंशिएबल, इसलिए डिस्कार्ड है ना। सेकेंड ऑप्शन में y डैश इज डिफरेंशिएबल, अब y डैश डिफरेंशिएबल होने का मतलब है y डबल डैश एग्जिस्ट करता है, है ना। y डबल डैश क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, y डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है, तो दोनों साइड में है ना डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएशन करूँगा तो y ट्रिपल डैश हो जाएगा, है ना। लॉजिक लगाना, है ना, ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो ये पूरा डिफरेंशिएबल है, तो y डबल डैश डिफरेंशिएबल है, y डबल डैश डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब y ट्रिपल डैश एग्जिस्ट करेगा। तो ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा? माइनस y डबल डैश प्लस y डैश प्लस 2x करके। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल लाइन से आप है ना बैक कर सकते हो 10 सेकंड्स, है ना 20 सेकंड्स, और फिर उसको देखिए, क्लियर होगा, है ना। ठीक है, y डबल डैश डिफरेंशिएबल हो गया था, है ना, y डैश डिफरेंशिएबल है ही, 2x तो डिफरेंशिएबल होगा पॉलीनोमियल की वजह से। अब ये तीनों डिफरेंशिएबल तो ये भी डिफरेंशिएबल है, अगर ये डिफरेंशिएबल इसका मतलब कि y फोर्थ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, है ना, और इसका मतलब हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद रखिए, है ना, इसमें y डबल इज नॉट डिफरेंशिएबल बोले तो डिस्कार्ड हो गया, y ट्रिपल इज नॉट डिफरेंशिएबल बोले इसलिए डिस्कार्ड हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, है ना। ये तीनों डिफरेंशिएबल होने की वजह से y फोर्थ डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल हो चुका है ना, इस वजह से तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड। अब ये आगे बढ़ता जाएगा, अब ये डिफरेंशिएबल है तो y फिफ्थ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, फिर आप डेरिवेटिव करेंगे, ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि y इज इनफिनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल। क्लियर है? मैं फटाफट एक बार रिवाइज करता हूँ, है ना। y इनका सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा किक ये है, अगर y इनका सॉल्यूशन है इसका मतलब कि है ना y डैश y डबल डैश एग्जिस्ट करेगा। इतना क्लियर है? तो y डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं राइट हैंड साइड में गया, मैं देखा ये पॉलीनोमियल डिफरेंशिएबल होता है, y तो सॉल्यूशन की वजह से डिफरेंशिएबल है, y डैश क्योंकि y डबल डैश एग्जिस्ट करता है तो y डैश तो डिफरेंशिएबल हो गई होगा। इतना क्लियर? ये पूरा डिफरेंशिएबल होने की वजह से ये डिफरेंशिएबल हुआ, और ये डिफरेंशिएबल होने की वजह से y ट्रिपल डैश एग्जिस्ट किया, इसी वजह से फिर इसमें ये अप्लाई करके किया ना। और फिर मैं राइट हैंड साइड को देखा तो ये तीनों डिफरेंशिएबल हुआ, इस वजह से डिफरेंशिएबल, इसके वजह से y फोर्थ डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, अब ये पूरे डिफरेंशिएबल है, है ना, ये डिफरेंशिएबल, फिर फिफ्थ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये प्रोसीजर चला। क्लियर है? सो आंसर होगा डी ऑप्शन, y इज इनफिनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल। क्लियर है? है ना, खुद से भी आप इसको अलग अलग चेंज कीजिए, है ना, रैंडम अलग अलग, और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है? टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ y डैश प्लस मॉड ऑफ y प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है, है ना। या फिर मैं उसको लिख सकता हूँ dy by dx mod of dy by dx plus mod of y plus a equal to 0, ठीक है ना। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ODE है, है ना, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। खास बात ये है, इनका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे है ना तीन केसेस हैं, है ना, केस किस पे डिपेंड करता है? इस a पर, क्योंकि ये हो सकता है कि 0 हो सकता है निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, ठीक है ना। इसका मतलब तीन अलग अलग सिचुएशन हो गया, तो उसके हिसाब से तीन अलग अलग है ना जनरल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाएगा मॉड ऑफ y डैश प्लस है ना मॉड ऑफ y इक्वल टू 0 होगा जब a 0 होगा, तो एक बार होगा मॉड ऑफ y डैश प्लस मॉड ऑफ y प्लस a जो कि निगेटिव है, इसका मतलब -1 -2 -3 -√2 -√3 ये वाला सिचुएशन हुआ, ठीक है ना। ये आपका क्या है? निगेटिव है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू जैसे माइनस बी ले लेते हैं, जो कि b हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये हमेशा क्या हुआ? निगेटिव। इसको मैं चाहूँ तो माइनस बी ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो सिचुएशन है, है ना, वो यहाँ पे प्लस ए करके है, जो कि प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस है ना रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस वन पॉइंट ऐसा भी हो सकता है। ए इज रियल नंबर, इंपॉर्टेंट बात यह है, ए रियल नंबर है जिसमें जीरो निगेटिव पॉजिटिव तीन अलग अलग है ना सिचुएशन स्थितियाँ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो मैं ए इक्वल टू जीरो वाले सिचुएशन में कैसे हम फाइंड करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, फिर आप इन दोनों केसेस को आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसको फिर लास्ट में रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी बने हैं, ठीक है ना, कि ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कितने सॉल्यूशन रखते हैं, है ना, यूनिक रखते हैं या सॉल्यूशन रखते ही नहीं है, या फिर टू रखते हैं या इनफिनाइट रखते हैं, ठीक है ना, या मोर देन टू रखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है। ओके, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ y डैश प्लस मॉड ऑफ y प्लस a इक्वल्स टू 0, वेयर a इक्वल्स टू 0, दैट इज मॉड ऑफ y डैश प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 0 हमारा ODE है, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। केसेस क्या होंगे? अब हम डायरेक्टली बनाना शुरू कर रहे हैं, तो हम सपोज करेंगे कि y ऑफ x इनका सॉल्यूशन है, तो वो सिचुएशन क्या हो सकता है? हो सकता है y ऑफ x इनका जो सॉल्यूशन होगा, केस वन y नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन है, केस टू होगा y कांस्टेंट सॉल्यूशन है। क्लियर? तो केस वन के अंदर फिर दो सब केसेस होंगे, नॉन कांस्टेंट अगर कुछ होता है ना,
तो इसका मतलब y हमारा x के पैटर्न में x है या x स्क्वायर है या x क्यूब है, इस टाइप से होगा, या x प्लस वन है, x स्क्वायर प्लस x, ऐसा कुछ भी हो सकता है, नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन का मतलब। अब सब केसेस में y डेज कॉन्स्टेंट है, y डेज नॉन कॉन्स्टेंट। देखिए इनका डेरिवेटिव करो, वन आता है कॉन्स्टेंट आ रहा है, इनका डेरिवेटिव करो टू एक्स, फिर से फंक्शन आ रहा है, तो दो सिचुएशन फिर पॉसिबल है ना, y डेज इज कॉन्स्टेंट, y डेज इज नॉन कॉन्स्टेंट, इतना क्लियर है। अगर y डेज कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का जो मॉडुलस होता है ना ऑब्वियस सी बात है, किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव करने पर कांस्टेंट आता है तो नॉन जीरो कांस्टेंट ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव भी वन आएगा, वन प्लस जीरो समथिंग है, कांस्टेंट ही आएगा, नॉन जीरो कांस्टेंट ही आएगा। इसका मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब वाई हमारा फंक्शन है तो ये मॉड ऑफ, जैसे एक्स ही ले लीजिए तो डेरिवेटिव ऑफ वन, तो वन का मॉडुलस पॉजिटिव, और एक्स का मॉडुलस इन जनरल कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। एक्स के पैटर्न में अगर कोई है तो डायरेक्ट जीरो इन जनरल जीरो होगा क्या? नहीं। ओके, तो ये भी जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हम इस सिचुएशन में देख सकते हैं, जो वाई नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो है ना मॉड ऑफ वाई डेज प्लस मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन जीरो दे रहा है, इक्वल टू जीरो नहीं दे रहा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये सॉल्यूशन होता ना तो सीधे सीधे इक्वल टू जीरो देना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, हो रहा है क्या? नहीं। सो वाई ऑफ एक्स इज नॉट सॉल्यूशन, इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सेकेंड, वाई डेज जो है वो नॉन कॉन्स्टेंट है, यानी वाई ऑब्वियसली बात है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है ना, एक्स पावर वन बाई टू समथिंग कुछ होगा, फिर उनका जो डेरिवेटिव करेंगे फिर एक्स के पैटर्न में आएगा, है ना, तो इन जनरल तो वाई डेज जीरो नहीं है, मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव होगा, वाई भी मॉडुलस करने पर पॉजिटिव होगा, दोनों का सम पॉजिटिव, फिर से सॉल्यूशन नहीं है। तो केस वन में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा यहाँ समझ आ गया कि इसका जो है y का कोई नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, इस ODE का नॉन कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता ना। ठीक है, केस टू देखते हैं, कॉन्स्टेंट सॉल्यूशन है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा जीरो होगा, है ना, डेरिवेटिव तो हमेशा जीरो होगा, इसका मतलब मॉडुलस हमेशा जीरो होगा, जो भी खेल है y पे है। अब y पे खेल क्या है, हो सकता है नॉन जीरो हो सकता है जो y है वो जीरो कॉन्स्टेंट हो, जीरो कॉन्स्टेंट मतलब y डेज हमारा सीधा, y हमारा सीधा सीधा जीरो है। ठीक है, इतना क्लियर। मॉड ऑफ y डेज तो पहले से जीरो है, मॉड ऑफ y भी यहाँ जीरो होगा। अच्छा, इस केस में मॉड ऑफ y डेज तो पहले से जीरो है, y अगर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, वन टू थ्री माइनस वन कुछ भी, उनका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये जीरो है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो दोनों का सम पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो, तो इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। इसमें तो वाई ऑफ एक्स नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड, यानी सब केस टू में देखिए, जो वाई कॉन्स्टेंट है वो जीरो लिया गया, वाई इज जीरो कॉन्स्टेंट, वाई इज जीरो आइडेंटिकली जीरो हमने लिया है, तो इस सिचुएशन में डेरिवेटिव भी जीरो, वाई भी जीरो, मॉडुलस भी जीरो, इसका मतलब दोनों का सम आएगा जीरो, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, वाई जीरो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है ना सॉल्यूशन है। तो कुल मिलाकर के बात अगर कहूँ तो वाई इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो भी कॉन्स्टेंट और वो भी जीरो, क्लियर है ना। तो फाइनली मैंने नोट बना दिया है तीनों केसेस का, है ना, ए इक्वल टू जीरो, ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना, तो ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है, वो भी सिर्फ जीरो सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर मॉड ऑफ 5 डेज प्लस मॉड ऑफ 5 प्लस ए इक्वल टू जीरो फिर ए लेस देन जीरो है, तो हैज एक्जैक्टली टू सॉल्यूशन। जैसे मैंने अभी प्रोसीजर अपनाया सेम वैसे करके आप देखिए, तो इनके पास आप पाएंगे एक्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, और वो क्या होगा, प्लस माइनस ए। इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ वाई इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन है, यहाँ वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए सॉल्यूशन है। अगर ए निगेटिव है, जैसे माइनस वन है, माइनस टू है, तो उसी का जस्ट प्लस माइनस ही दो इनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक्जैक्टली टू सॉल्यूशन। अगर ये पॉजिटिव है तब इनके पास सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ही करता है ना, ये तो पॉजिटिव होता ही है, ये भी पॉजिटिव होता है। अब ए भी पॉजिटिव है, फिक्स है, तो यहाँ वाई को आप जीरो रख देंगे तो भी ये जीरो नहीं आता। इंटरेस्टिंग ये है, आप लॉजिकली भी दिमाग लगा सकते हैं, ये पॉजिटिव फिक्स है, इनके वजह से इनमें इतना दम नहीं कि इनको जीरो कर सके। ठीक है, क्लियर है। तो आप सेम उसी प्रोसीजर को अपना कर देखिए, आप देखेंगे इनके पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फाइनली मैं एग्जांपल लेकर के अगर बताऊं, हाँ इनका तो डायरेक्ट समझ आ रहा है कि इनके पास यूनिक सोल्यूशन है, वो भी जीरो सोल्यूशन। इनके लिए जैसे एग्जांपल मॉड ऑफ वाई डेज प्लस मॉड ऑफ वाई है ना माइनस जैसे टू ले लीजिए, है ना, अब इनके पास सोल्यूशन रहेगा एक्जैक्टली टू, क्या रहेगा, प्लस माइनस टू। अगर ये माइनस वन है तो प्लस माइनस वन, माइनस थ्री है तो प्लस माइनस थ्री, माइनस रूट टू है तो प्लस माइनस रूट टू। बात क्लियर ना, तो निगेटिव होना चाहिए और साथ ही साथ है ना, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो जस्ट इनका क्या होगा, प्लस माइनस के फॉर्म में, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन इनके पास है ना। ये जो तीसरा केस है ना, हैज़ नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आप वन ले लीजिए, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस रूट टू है ना, प्लस रूट थ्री, हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन है ना, यूनिक है तो y को जीरो बस है, इसके पास y को प्लस माइनस ए है, इसके पास कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉन्सेप्ट आज बताया गया क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, ये आपको पता है। ठीक है ना, और
ऑब्वियसली बात है, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, और बहुत सारी है ना स्टडी आपको करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सेटअप करो, फिर इधर बताओ, फिर उसको एडिटिंग करो, है ना, चैलेंजिंग है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो बस एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, वो है सब्सक्राइब और शेयर और लाइक, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। रीजनिंग अपना चल रहा है वो चलेगा, और जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, है ना, हम सबसे पहले तो सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।